हेलो स्टूडेंट, मैं पुखराज वैष्णव, यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद पुखराज वैष्णव से। स्टूडेंट्स, आज क्लास सेवेंथ साइंस का चैप्टर नंबर थर्ड हम डिस्कस करेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। ये चैप्टर नंबर कौन सा है? थर्ड नंबर है, फोर नहीं है, फाइबर टू फैब्रिक। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए इसलिए बनाया गया था कि आप वॉइस के अकॉर्डिंगली ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी महसूस करें, क्योंकि केवल पीपीटी से आप इतना समझ नहीं पाते हैं। तो डेफिनेटली ये वीडियो लेक्चर से आप ज़्यादा चैप्टर्स को समझ पाएंगे। इससे पहले के जो दो चैप्टर्स थे, वो दो चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स टेंथ वाले मैंने सेंड किए थे, तो वो डेफिनेटली कोरिलेट थे सेवन्थ के सिलेबस से। सो टुडे डिस्कसिंग फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर नंबर थ्री, लेट स्टार्ट द टॉपिक। इंट्रोडक्शन। वी ऑल वियर क्लॉथ, दे आर आवर बेसिक नीड्स। लॉन्ग एगो ह्यूमन बींग यूज लीव बाग ऑफ ट्री स्कीन ऑफ एनिमल्स टू कवर देयर बॉडीज, देन दे लर्न अ आर्ट ऑफ वेविंग एंड स्टार्टिंग मेकिंग क्लॉथ। Question: why do we need clothes? We need clothes to protect us from heat, cold, rain, dust. Do you know how these clothes are made? Answer: clothes are woven from fiber like cotton, wool, silk, and other such fiber. These fiber can be natural or man-made. So clothes किससे बनाए जाते हैं? Wool से, silk से, या तो वो natural fiber से बनते हैं या फिर man-made से बनते हैं। फाइबर आर ऑफ टू टाइप, वन इज नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड इज मेन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर आर थ्रेड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल कॉटन, फ्लैक्स, जूट आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर एंड वुल, सिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर। सो वी कैन से दैट नेचुरल फाइबर आर थ्रेड obtained from plants and animals, whereas man-made are synthetic fiber, they prepared artificially. Man-made are synthetic, they are prepared artificially. Examples are nylon and polyester. So example of man-made fiber are nylon and polyester. Then this is the flowchart of fiber. Fiber again divided in two parts, man-made and natural. Natural fiber, if they are obtained from plants, examples are cotton, flax, jute. Animal fibers, example are wool, silk, they are animal fiber and they are natural. Man-made, example of man-made fibers are nylon, polyester, polyethylene, ethylene, polypropylene, rayon. These all are man-made or you can say synthetic fiber. वन बाई वन लेते हैं। एनिमल फाइबर्स आपके कोर्स के अंदर है, वुल एंड सिल्क। आउट ऑफ दीज टू एनिमल फाइबर, वुल कम फ्रॉम एनिमल लाइक शीप, गोट, या सिल्क कम फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। फाइबर आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ बॉडी। सो आपका इस थर्ड नंबर चैप्टर में एनिमल फाइबर्स के बारे में ज्यादा डिस्कशन है, दैट वन इज वुल एंड सेकेंड इज सिल्क। सो एनिमल फाइबर किस किस से ऑब्टेन होते हैं, आपको डायग्रामेटिकली इस पिक्चर से ही क्लियर हो गया होगा। गॉड से ऑब्टेन होते हैं, लामा, याक, कैमल, अल्पाका, सिल्क वॉर्म, सीप। सो दीज आर वॉट, दीज आर रिसोर्सेज ऑफ वॉट, रिसोर्सेज ऑफ वुल। सिल्क वॉर्म जो है उससे सिल्क किससे मिलेगी? सिल्क वॉर्म से मिलेगी। बाकी सीप, गॉड, लामा, याक, कैमल, अल्पाका, ये सब से क्या मिल रहा है हमको? सबसे वुल मिल रही है। Now the first content is wool. Wool is the most used animal fiber. Wool is used to knitting sweaters, weaving shawl and other cloth. Wool come from the fleece. ये word आपके लिए important है, fleece. What is now the question? Question क्या आता है आपके syllabus के अंदर? What is fleece? Define the fleece. तो कैसे define करेंगे? Fleece of animal like sheep. Fleece hair of animal like sheep, goat, yak and some other animal. Yak wool is common in Tibet and Ladakh. So fleece is what? What is the definition of fleece?
द डेफिनेशन ऑफ फ्लीस इज इट इज हेयर ऑफ एनिमल लाइक सी गोट याक इटीसी ओके। और इन्हीं फ्लीस से क्या बनाया जाता है, वुल बनाया जाता है। नाउ याक वुल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। द वुल ऑब्टेन फ्रॉम अंगारा गोट ऑफ जम्मू कश्मीर इज सॉफ्ट वुल यूज फॉर मेकिंग शॉल एंड कैमल हेयर इज ऑल्सो यूज एज वुल। ललामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वुल। सो ललामा एंड अल्पाका कहाँ मिलते हैं, साउथ अमेरिका में मिलता है। पश्मीना शॉल किससे, अंगोरा गोट से बनाई जाती है जो कि जम्मू कश्मीर में मिलती है। तो ये आपको याद रखना है, पश्मीना शॉल किससे बनती है, अंगोरा गोट से। और अंगोरा गोट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में। इस तरीके से आपको ये कोरिलेट वर्ड याद रखना। These animals bear hair on the body. Hair of wool yielding animal trap a lot of air. Air is poor conductor of heat, so hair keep these animal warm. So what is the function of air present on the body? It helps in maintaining the body temperature. Due to this reason, hair these animals are removed only once in a year at the beginning of summer season. इसलिए summer season में ये hairs remove किए जाते हैं ताकि इनकी body का temperature winter में maintain रहे। These hair grow again by the time of winter arrive. Wool is most commonly obtained from sheep. The fleece of sheep consists of two type of the fiber. One is coarse fiber and second is fine fiber. बड़े fibers जो होते हैं उनको coarse कहते हैं और जो बहुत ही पतले पतले fibers होते हैं उनको fine fibers कहते हैं। Fine and soft under hair. These under hair are used as making the wool. ये under hair जो present होते हैं ये wool बनाने के लिए काम में लेते हैं। Now selective breeding. Again, this is the important question. What do you mean by the selective breeding? The process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in the sheep is called selective breeding. So, selective breeding is the what? It is selecting of parents for obtaining special character. Like we want to obtain the wool and we want to obtain and the fine hairs in the fleece of the sheep body. So we have to select such type of the sheep, those having fine hair. So इस तरीके से ऐसी sheep को select करना पड़ेगा जिनकी body में fine hairs है। तो select करके हम उनको breeding करेंगे, it means male और female में cross करवाया जाएगा और नई generation को obtain करवाया जाएगा। There are several breed of sheep found in our country. Apart from sheep, there are many animal for obtaining wool. Sheep के अलावा wool और भी दूसरे animal से obtain किया जा सकता है। Some example are yak wool is in common in Tibet and Ladakh. Angora wool is obtained from the Angora goat found in hilly area, Jammu and Kashmir. Under fur of Kashmiri goat is soft and it is used to the weave fine pashmina shawl. तो पश्मीना शॉल किससे ऑब्टेन की जाती है, कश्मीरा गोट से ऑब्टेन की जाती है। फर ऑफ कैमल एंड अल्पाका ऑफ साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वुल। कैमल और अल्पाका जो साउथ अमेरिका में मिलते हैं उनसे भी वुल ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ हाउ द फाइबर कन्वर्ट इनटू वुल, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द वुल इन मार्केट। वुल वी जनरली गेट इज द वुल ऑब्टेन फ्रॉम अ शीप। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वुल, शीप आर रेयर्ड, their hair are then cut and processed into the wool. So first rearing of sheep, then obtaining the fine hair, that is fleece of the sheep, and then that fine hair converted into wool. What is rearing? By rearing of sheep of any other animal, we mean to look after it, providing them the food, shelter and health care. The person who look after sheep are called sheep शेफर्ड्स। तो शेफर्ड्स कौन होते हैं, जो सीप को पालते हैं। और सीप को किस लिए पाला जाता है, उनका क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, उनके फूड के बारे में, उनके शेल्टर के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। सीप आर रेयर्ड मेनली फॉर वूल। दे आर रेयर्ड एरिया आर लो रेनफॉल इन इंडिया। यू वुड बी एबल टू शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड ऑफ सीप टू गेजिंग इन प्लेन्स ऑफ स्टेट लाइक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। यू कैन ऑल्सो फाइंड हर्ड ऑफ द सीप टू गेजिंग इन हिली स्टेट ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। सिप हैव लाइफ स्पेन 10 to 12 ईयर। सिप आर हर्वी बोरस एंड प्रिफर ग्रास एंड लीव। अपार्ट फ्रॉम द रियल सिप आर ऑल्सो फेड ऑन द मिक्सचर ऑफ पल्सेज। सिप ऑल्सो फीडेड ऑन वॉट
पल्सेस, कॉर्न, जवार, मिनरल ये भी सिखाती है। इसके अलावा लीज का ग्रास वगैरह खाती है। इन विंटर दे आर कैप इनडोर आर फेड ऑन द फॉडर लीव एंड ग्रेन। व्हाई दे इन विंटर दे कैप इनडोर, क्योंकि उनके हेयर उतारे हुए रहते हैं तो ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, है ना, क्योंकि वापस उतना हेयर उनकी बॉडी पे आ नहीं पाते। नाउ प्रोसेसिंग, व्हाट इज द मैकेनिज्म टू ऑब्टेन द वूल फ्रॉम फाइबर, दिस इज द प्रोसेसिंग। फर्स्ट सीयरिंग, सेकेंड कॉरिंग, थर्ड सॉर्टिंग, फोर्थ रिमूविंग बोर, फिफ्थ डाइंग, एंड लास्ट वन इज मेकिंग यार्न। सो दीज आर द सिस्टमेटिक प्रोसेस। सो फर्स्ट वन इज सीयरिंग। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द सीयरिंग, द रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम सीप इज कॉल्ड सीयरिंग। द रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ द सीप इज कॉल्ड सीयरिंग। इट कैन बी डन बाई मैनुअली विद लार्ज रेजर और विद सीयरिंग मशीन। सीयरिंग इज यूजली डन ड्यूरिंग हॉट सीजन। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट सीयरिंग डज नॉट हर्ट सीप बिकॉज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ सीप इज डेड। तो ये हो सकता है कि सीप का अपर फ्लीस को रिमूव किया जा रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि अपर मोस्ट स्किन जो होती है वो क्या होती है, डेड होती है। नाउ सेकेंड स्टेप इज स्कॉरिंग। द सीयर्ड हेयर इज थोरोली वॉश्ड इन टैंक, रिमूव डस्ट एंड डर्ट एंड ग्रीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कॉरिंग। इट इज देन पासेस टू अ सीरीज ऑफ रोलर एंड ड्रायर। सो रिमूविंग डस्ट, हेयर, डर्ट, ग्रीज फ्रॉम द सीयर्ड हेयर इज कॉल्ड स्कॉरिंग। स्कॉरिंग वो सीयर्ड ऐसे हेयर जिनका सीयर्ड सीयरिंग हो चुका है, तो हेयर को फ्लीस को हम सीप की आउटमोस्ट स्किन से निकाल चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ ब्लेड और सीयरिंग मशीन। उस हेयर निकालने के बाद में हम उसमें से डस्ट को अलग कर रहे हैं, डर्ट को अलग कर रहे हैं, ग्रीस को अलग कर रहे हैं। उनको अलग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्कॉरिंग कहते हैं। नाउ थर्ड सॉर्टिंग, क्लीन हेयर आर देन सेंड टू फैक्ट्री वेयर हेयर आर डिफरेंट इन टेक्सचर, स्प्रेडेड एंड सॉर्टेड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब है उन जितने भी हेयर मिले हैं अपन को उनमें से जो क्लीन है बिल्कुल और एप्रोप्रिएट हेयर है उनको हम अलग कर लेंगे, और जो हेयर काम के नहीं है उनको हम बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे। इस सेपरेशन को क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। रिमूविंग बोर, बोर आर सॉफ्ट फ्लफी फाइबर इन द वूल। दीज बोर आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। बोर आर सॉफ्ट एंड फ्लफी फाइबर को बोर कहते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, उनको बाकी वाले हेयर में से अलग कर लिया जाता है क्योंकि उनसे वूल नहीं बनाई जा सकती है। फिर डाइंग, जो हेयर को अपन ने फाइन हेयर बड़े बड़े हेयर को अलग किया है उनको अपन कलर करेंगे। द नेचुरल फ्लीस ऑफ सीप इज व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक। दीज फाइबर आर डाइड इन डिफरेंट कलर, दैट कलर प्रोसेस इज कॉल्ड डाइंग। देन मेकिंग यार्न, उनको एक पर्टिकुलर कंटेंट एक पे रोल्ड करेंगे। इन दिस स्टेज द वूल इज स्ट्रेंथेंड एंड कॉम्ब एंड स्पून इन द यार्न। आफ्टर स्पिनिंग द वूल इज आइदर वोवन एंड नीटेड। longer fiber are made into wool for sweater. So that spooning of fiber on a particular yarn is called what, making yarn. This is the removing shearing, this is the shearing machine, okay. Then this is scouring, removing dirt, etc. Then removing fiber, and ultimately they are converted into yarn. Now occupational hazard, जो इसके अंदर work करते हैं wool बनाने वाली factories के अंदर उनकी जो employees होते हैं उनके अंदर कुछ problems हो सकती है, वो क्या क्या है। Occupational hazards are risk faced by people working in industry due to the nature of their work. Wool industry give employment to many people of our country. But shorter job is risky as they sometimes get infected by a bacterium anthrax which cause a fatal blood disease called shorter disease. Shorter job मतलब इनका जो job है इनके कारण जो disease होती है वो shorter disease होती है, वो anthrax bacteria के कारण होती है। तो काफी बार ये question आता है which disease causes by the wool occupation, then the answer is shorter disease and the name of causing agent is anthrax. Now another fiber, another natural fiber is silk.
सिल्क फाइबर ऑल्सो एनिमल फाइबर, सिल्क इज फाइन स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट एंड शाइनिंग फाइबर आर प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वॉर्म, इट इज ऑब्टेन बाय सिल्क वॉर्म इन द मेकिंग देयर कोकून दैट कवर अ प्रोटेक्ट सम इंसेक्ट. सिल्क इज अ नेचुरली लक्चर फाइबर, सिल्क डज नॉट कंडक्ट हीट सो इट इज गुड इंसुलेटर, इट कीप पर्सन वॉर्म इन विंटर एंड कूल इन समर. द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. सो रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर वॉट, फॉर ऑब्टेनिंग अ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. दिस इज मेन डेफिनेशन. इट इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. इंडिया प्रोड्यूस पैरेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल. द सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मॉथ. सिल्क किससे ऑब्टेन की जाती है? सिल्क मॉथ के कोकून से. देर आर वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच यील्ड डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क यार्न सच एज टसर सिल्क, मोंगा सिल्क, कोसा सिल्क, मलबरी सिल्क इत्यादि. तो ये आपको ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है. सिल्क के टाइप कितने होते हैं? टसर सिल्क, मोंगा सिल्क, कोसा सिल्क, मलबरी सिल्क. द मोस्ट कॉमन सिल्क इज मलबरी सिल्क. जो मेनली जो सिल्क ऑब्टेन किया जाता है वो कौन सा है? वो मलबरी सिल्क से ऑब्टेन करते हैं. दिस इज द मेल सिल्क मॉथ एंड दिस वन इज फीमेल सिल्क मॉथ. जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, फीमेल सिल्क मॉथ का साइज बड़ा होता है जिनसे सिल्क ऑब्टेन की जाती है, जिनके कोकून से ऑब्टेन करते हैं. देर आर फोर स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ जो लार्वा से ऑब्टेन होगा वो फोर स्टेजेस से पास आउट होता है. सबसे पहले एग, देन लार्वा, देन प्यूपा, देन एडल्ट. तो सबसे पहले एग, स्टेज वन. इन दिस बिगनिंग फीमेल सिल्क मॉथ ले एग. सबसे पहले एग दिया जाता है, देन एग किसमें कन्वर्ट होगा? प्यूपा में. द एग इज हैचेज इनटू वेरी स्मॉल लार्वी विद इन अ वीक. दीज लार्वी देन फीड ऑन मलबरी लीव. उस समय वो लार्वा जो ऑब्टेन होते हैं वो मलबरी लीव से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. द लार्वा लुक लाइक अ वॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म. लार्वा जो होते हैं वो वॉर्म की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं. अब यही कैटरपिलर आगे जाके किस में कन्वर्ट होंगे? प्यूपा में, थर्ड नंबर. तो ये जैसे देर का है आप एग, एग से ये लार्वा बन चुका है. लार्वा को जो वॉर्म जैसा दिखाई जाता है उसको क्या कहते हैं? कैटरपिलर. फिर थर्ड नंबर स्टेज क्या आ जाएगी इसके डेवलपमेंट की? प्यूपा. और प्यूपा जो कोकून के अंदर बनेगा. और फोर्थ नंबर जो एडल्ट सिल्क वॉर्म बन जाएगा वो फोर्थ नंबर स्टेज हो जाएगी. तो ये एक लाइफ साइकिल हो गई. थर्ड नंबर स्टेज डिस्कस कर लेते हैं. देन देन ग्रो इन साइज एंड दे आर कैटरपिलर रेडी टू एंटर नेक्स्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ कॉल्ड प्यूपा. नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं. एडल्ट सिल्क वॉर्म फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड सिल्क. एक वेव बनाते हैं, देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर एट. फिगर एट मैथमेटिकल एट के फिगर के जैसे अपना हेड को हिलाकर वेव, सिल्क की वेव्स बनाते हैं. और उन्हीं वेव से उनके चारों तरफ एक एनवलप बन जाता है जिसको कोकून कहते हैं. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द हेड ऑफ द कैटरपिलर सिक्रीट अ फाइबर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन विच हार्डन वन एक्सपोजर टू एयर बिकम सिल्क फाइबर. सून द कैटरपिलर कवर इटसेल्फ कंप्लीटली बाय सिल्क फाइबर एंड दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून. इस कवरिंग को क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं. तो जो प्यूपा बना है वो प्यूपा अपना हेड को एट के शेप में हिलाएगा. एट के शेप में हिलाते हिलाते उसके हेड से ये प्रोटीन के फाइबर्स निकलेंगे और अल्टीमेटली प्रोटीन के फाइबर उसके चारों तरफ एक आवरण बना देंगे, एक एनवलप बना देंगे. उस एनवलप को हम क्या कहेंगे? कोकून कहेंगे. द कोकून इज मेड बाय कैटरपिलर टू प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट एज प्यूपा. द सिल्कवर्म कंटिन्यू टू डेवलप इनसाइड द कोकून टू फॉर्म सिल्क मॉथ. लास्ट में वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिल्क मॉथ में. प्यूपा इज द स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ व्हेन द कैटरपिलर बिकम एनसीज्ड इन द हार्ड सेल ऑफ सिल्क फाइबर दैट इज कॉल्ड कोकून. स्टेज फोर. इन दिस स्टेज प्यूपा विच एनसीज्ड द कोकून डेवलप फुल्ली वॉर्म एंड एडल्ट सिल्क मॉथ. आफ्टर द कंप्लीट डेवलपमेंट द कोकून स्प्लिट अप एंड द ब्यूटीफुल सिल्क मॉथ कम्स आउट. जैसे ही सिल्क मॉथ कंप्लीटली डेवलप हो जाता है कोकून टूट जाता है और कोकून से ये बाहर आ जाता है. इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट ऑर्डर टू प्रोड्यूस सिल्क द सिल्क वॉर्म डेवलपिंग इनसाइड द कोकून प्यूपा इज नॉट अलाउड टू मैच्योर इनटू सिल्क मॉथ. दिस इज बिकॉज ब्रेकिंग ऑफ कोकून कॉजेज डैमेज टू द सिल्क थ्रेड इन दिस लोअर द क्वालिटी ऑफ सिल्क. सो द ऑब्टेन गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क थ्रेड एज सून एज कोकून इज फॉर्म्ड डेवलपिंग सिल्क वॉर्म गेट किल्ड. सम सिल्क वॉर्म आर allowed to leave and mature into silk moth so that they can lay egg to produce more silk worm. तो अगर natural better quality की अगर silk worm obtain करना होता है तो उसमें भी pupa को मार दिया जाता है, नहीं तो बाद में जो है वो इतनी better quality की silk worm obtain नहीं होती है.
दिस आर द फोर्थ प्रोसेस. अगेन वी डिस्कस लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. पांच नंबर का क्वेश्चन आता है आपके. तो पहले आपको ये बताना है कि एडल्ट सिल्क मॉथ होते हैं, मलबरी लीव से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, एग देते हैं, एग देन लार्वा में कन्वर्ट होता है. दैट लार्वा आर वॉर्म लाइफ को दे आर कॉल्ड कैटरपिलर. देन कैटरपिलर कन्वर्ट इनटू प्यूपा. प्यूपा रोल्ड इट्स हेड इन अ एग शेप. So they are completely covered by a silk fiber that called cocoon. Then inside the cocoon, pupa ultimately converted into the adult silk moth. So this is the life history of silk moth. Now, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये सिल्क मॉथ? मलबरी प्लांट की लीव पे डिपेंड करते हैं, जिनको हम शहतूत कहते हैं. देन प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. सिल्क को कैसे प्रोड्यूस, कोकून ऑब्टेन कर लिया, अब कोकून को ऑब्टेन करने के बाद प्रोड्यूस कैसे करेंगे? तो ऑब्टेन सिल्क, सिल्क मॉथ आर रेयर एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड और फैब्रिक. रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू ऑब्टेन कोकून. फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग एट द टाइम. दीज एग आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन अ पेपर क्लॉथ स्ट्रिप एंड आर सोल्ड टू द सिल्क वर्म फार्मर. द फार्मर्स कीप एग अंडर द हाइजेनिक कंडीशन अंडर सुटेबल condition of the temperature and humidity. These eggs are then warmed suitable temperature for hatching. When egg hatch, silkworm or caterpillar come out. Silkworm are then fed on mulberry leaves overnight and they are increased enormously in size. The larvae are kept in clean bamboo tray along with the young or freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, silkworm stop eating and start spinning the cocoon. So पहले सिल्कवर्म को रेयर किया जाते हैं, उनके एग को एक बैम्बू ट्रे पे ले लिया जाता है जहाँ उनके अंदर जो लार्वा है वो लार्वा अपने हेड को एज के शेप में पिन करेगा और कोकून बनाएगा. सो इस तरीके से जैसे हम देख रहे थे कि ये इस तरीके से कोकून बनाते हैं कैटरपिलर. रेयरिंग किया है, रेयरिंग के बाद में एग, एग के बाद में कोकून और कोकून इस तरीके से डेवलप होते हैं. फिर सेकेंड प्रोसेस है प्रोसेसिंग कोकून टू ऑब्टेन सिल्कवर्म. कोकून से सिल्क वर्म फाइबर कैसे बनाएंगे? द कोकून आर कलेक्टेड एंड बॉइल्ड इन वाटर टू किल द प्यूपा. उनको बॉइल किया जाएगा जिससे प्यूपा जो अंदर है वो मर जाएगा. हॉट वाटर मेक्स द सिल्क फाइबर टू कोकून टू द सेपरेट आउट. सिल्क फाइबर अलग हो जाएगा. दिस रिजल्टिंग फाइबर इज कॉल्ड रॉ सिल्क. इससे जो फाइबर ऑब्टेन होगा उसको रॉ सिल्क कहा जाएगा. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज अ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग. उसको रीलिंग कहेंगे. रीलिंग इज डन इन अ स्पेशल मशीन विच अनवाइंड द फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून. जिससे रीलिंग एक प्रोसेस है जिससे कोकून से सिल्क जो है वो ऑब्टेन किया जाता है. नेक्स्ट प्रोसेस कन्वर्टिंग सिल्क फाइबर इनटू सिल्क क्लॉथ. सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून आर स्पून टू फॉर्म सिल्क यार्न विच इज देन वोवन इन द लूम्स बाय वेवर्स टू मेक सिल्क क्लॉथ. सिल्क फाइबर कोकून से ऑब्टेन करके उसे स्पून करके सिल्क यार्न बना दिए जाएंगे और सिल्क यार्न के अंदर से सिल्क को यूज करके नए नए सिल्क क्लॉथ बनाए जाएंगे. सो जैसे ये देख रहे हैं आप, ये कोकून को यहाँ पे गर्म किया जा रहा है, फिर उनसे सिल्क ऑब्टेन किया जा रहा है. सिल्क ऑब्टेन करने के बाद में आप देख रहे हैं ये सिल्क के यार्न जो है वो बना दिए गए हैं. यार्न बना के ये सिल्क के क्लॉथ बनाए गए हैं. तो इस तरीके से सिल्क क्लॉथ बनाए जाते हैं. तो आई थिंक आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा. कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. एक्सप्लेन व्हाई वूलन गारमेंट कीप अस वार्म एंड विंटर. डेफिनेटली दे मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, दे प्रिवेंट द एस्केप्शन ऑफ द आवर बॉडी एनर्जी. वूलन गारमेंट कीप अस वार्म इन विंटर बिकॉज वूल इज अ फॉर्म ऑफ हेयर दैट ग्रो विद द वेवीनेस. ड्यू टू द वेवीनेस ऑफ वूल द वूलन फैब्रिक हैव ग्रेटर बल्क एंड हैज ट्रैप मोर एयर. मोर एयर को ट्रैप करते हैं. दिस इज द रीजन व्हाई वूलन फैब्रिक कीप अस वार्म. सेकेंड क्वेश्चन, वाई सीयरिंग इज डन बिफोर द विंटर. क्योंकि विंटर में अगर सीयरिंग कर देंगे तो सिल्क को काफी सर्दी लगेगी, उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा. तो उसका आंसर आप रीड करेंगे और नोट्स बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3, वाई सीयरिंग डज नॉट हर्ट द सिल्क. क्योंकि उनकी जो स्किन होती है आउटरमोस्ट स्किन वो डेड होती है तो उसको कोई हर्ट नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू मीन बाय द सेलेक्टिव ब्रीडिंग. सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज द सिलेक्शन ऑफ द स्पेशल पेरेंट फॉर द स्पेशल कैरेक्टर. How will you distinguish between natural silk and artificial silk? Natural silk obtained from the cocoon of silkworm is made of protein and the burning smell of natural silk is same as burning of hair. It is an animal fiber. Artificial silk में क्या रहता है? Artificial silk is obtained from the wood pulp. It is made up of modified plant material called cellulose.
The burning smear of artificial silk is burning paper, it is plant fiber and sometimes man-made. So this is the main difference between artificial silk and natural silk. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क. जो प्रोसेसिंग मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले पाइल्स कोकून जो है वो सिल्क ऑप्टेन करेंगे, कोकून को कैप्ट अंडर सन बॉइल्ड किया जाएगा, उसे सिल्क फाइबर ऑप्टेन करेंगे, सिल्क फाइबर से रीलिंग की जाएगी, रीलिंग के बाद में सिल्क फाइबर से उनसे स्पूनिंग करके क्लॉथ बनाए जाएंगे. ओके, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ वुल. प्रोसेसिंग ऑफ वुल में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो आपको वो सियरिंग, स्कॉरिंग, डाइंग वाले स्टेप जो है वो सारे सेवन के सेवन स्टेप्स आपको डिस्क्राइब करने. तो होप आई होप दैट दिस चैप्टर इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू एंड यू गॉट द चैप्टर, यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर. सो गुड डे टू ऑल, एंड इफ यू लाइक द चैप्टर देन डेफिनेटली लाइक माई यूट्यूब वीडियो चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. गुड डे टू ऑल. We'll be right back.